आज के इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स। देखिए, लैटिस नेटवर्क या स्पेस लैटिस क्या होता है, देन स्पेस पॉइंट या लैटिस पॉइंट, फिर एज, यूनिट सेल और बीडी। बीडी मींस बॉडी डायगोनल। तो इन सारे टर्म्स को अब हम समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज ये कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है, ये सॉलिड है, कोई रिजिड कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होंगी जिनसे मिलकर के वो क्रिस्टल बनेगा, और ये है सपोज एक यूनिट सेल, ठीक है, जो हमने क्यूब शेप की ली है। अब ऐसे कई यूनिट सेल जब रिपीट होते चले जाएंगे तब जा कर के उस पूरे क्रिस्टल का मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना। तो उसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलेंगे यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्यूब शेप की हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ट्रायगोनल हो सकती है, ट्राइक्लिनिक हो सकती है, मोनोक्लिनिक हो सकती है ना, ऑर्थोरॉम्बिक हो सकती है। ये हमने कई शेप क्रिस्टल सिस्टम्स में देखे थे, वो किसी भी तरीके की सिंगल यूनिट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इन ऑल अब हम क्या बोल सकते हैं स्पेस लैटिस के बारे में कि स्पेस लैटिस क्या है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ क्रिस्टल इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। क्लियर हुआ। अब एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट को ये मैंने तरीके से बना रखा है, देखिए कि इसमें इस तरह से चार कॉर्नर ये, चार कॉर्नर ये, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगी एक यूनिट सेल। अब ये जो हर कॉर्नर है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, या एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो उस स्पेस को जहाँ पर कोई भी एटम आकर के बैठेगा उसको हम बोलेंगे वो है लैटिस पॉइंट, और हर कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एज। क्लियर। और एक टर्म और है बी डी। बी डी जो होती है बॉडी डायगोनल, मतलब डायगोनली एक लाइन कॉर्नर्स को जोड़ेगी। जैसे देखिए, इधर डायगोनली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक ये, इसको देखो तो इधर से इधर को मिलाने वाली लाइन, इसको इससे मिलाने वाली और इसको इससे मिलाने वाली, डायगोनली मतलब ऐसे टेढ़ा, एक दो तीन चार, इस तरह से चार बी डी हैं एक यूनिट सेल में। एज कितनी है, 12। समझ में आई बात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इस तरह से एज 12 है। और वो पॉइंट जहाँ पर कोई एटम बैठेगा उसको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट, और इन सबको मिला कर के कहेंगे सिंगल यूनिट, यूनिट सेल। और ऐसी कई यूनिट सेल जब रिपीट होती चली जाएंगी तो ये बना लेंगी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, या और शॉर्ट में बोल सकते हो इन लैटिस ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक, मींस इस तरह से टोटल यूनिट सेल में कॉर्नर्स हुए 8 और टोटल लैटिस पॉइंट या जिसको एलपी भी बोलते हैं वो हुए 8, जिन पर एटम आकर के बैठेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर है। देखिए, हम देखेंगे कि जैसे ये एक सिंपल यूनिट सेल थी जिसको आपने क्यूबिक यूनिट सेल बोला, इसमें पॉसिबल वेरिएशंस कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 3। पहला होता है ऐसी यूनिट सेल जो SC हो, मींस सिंपल हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो। दूसरी वेरिएशन के साथ यूनिट सेल हो सकती है BCC, फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और तीसरा वेरिएशन हो सकता है FCC, FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो एक यूनिट सेल के जो क्यूब शेप की है उसमें 3 पॉसिबल वेरिएशंस हुए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले
मैं तुमको एक चीज़ बता रही हूँ। देखिए, एज्यूम करिए कि सपोज़ ये एक एटम है जिसको हम स्फीयर से शो करते हैं, एक एटम है, ठीक। अब यदि आपने इस एटम को कट किया इस तरह से, तो ये कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। मतलब एक हिस्से को, अब इसके एक हिस्से को हम बोलेंगे कि हाफ एटम है, आधा एटम है। इस तरह से आपने डिवाइड करा तो ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, इनसे मिलके हुआ वन। अब एज्यूम करिए, सपोज़ ये एटम था, इसको मैंने आधा किया, एक बार और आधा किया, तो टोटल कितने हो गए? चार हिस्से हो गए। एक बार और किया, छः हिस्से हो गए। एक बार और करा, मीन्स आठ हिस्से। एक एटम के यदि आठ हिस्से कर दो, तो इसमें से ये जो शेडेड पार्ट है वो कितना कहलाएगा? वन बाय एट्थ पार्ट कहलाएगा, है ना। ये फुल एटम और ये उस फुल एटम का वन एट्थ पार्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब अपने इस अजम्पशंस को और आगे फोकस करिए। देखिए, सपोज ये यूनिट सेल है, अभी मैं बता रही हूँ तुमको कि एस सी मीन्स क्या, ठीक। सिंपल क्यूबिक जो होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे हम ध्यान देंगे। जैसे एक यूनिट सेल है, ये इसके आठ क्या है? लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। हर लैटिस पॉइंट पर, हर लैटिस पॉइंट पर अब ये एज्यूम करिए कि जैसे ये एक एटम है, पर पूरा एटम नहीं बैठा है, इस पूरे एटम का सिर्फ ये शेडेड पार्ट, मतलब वन एट्थ पार्ट इस पॉइंट पर है, इस लैटिस पॉइंट पर है, और बाकी का जो अदर पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके पास प्रेजेंट किसी दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूटेड है। वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मींस सिर्फ इस पॉइंट पर इस वन एटम का वन एट्थ पार्ट कंट्रीब्यूटेड है। तो टोटल कॉर्नर्स कितने? आठ। और एक पॉइंट पर कितना कंट्रीब्यूशन है? वन एट्थ। तो इसको यदि सॉल्व करते हो तो टोटल कितना आता है? वन एटम आएगा। मींस जो एस सी सिस्टम होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें यदि आप टोटल जो कंट्रीब्यूटेड पीसेज हैं एटम्स के, तो आठ कॉर्नर्स और हर कॉर्नर्स पर वन एट्थ, वन एट्थ, वन एट्थ, वन एट्थ, वन एट्थ, वन एट्थ, वन एट्थ और वन एट्थ। इस तरह से यदि हम सारे वन एट्थ कंट्रीब्यूटेड पार्ट्स को यदि प्लस करें, तो हम देखेंगे कि इस एससी पैटर्न में नंबर ऑफ एटम जो होगा वो वन होगा। क्लियर हुआ? इसके एग्जांपल्स होते हैं अमोनियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा है बीसीसी पैटर्न, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें एक जो क्यूब है वो तो है ही एज इट इज। इसमें जो आठ कॉर्नर्स थे, हर कॉर्नर पर वन एट्थ पार्ट कंट्रीब्यूशन तो है ही है, जैसा पहले था। उसके अलावा इस यूनिट सेल के बॉडी के बीच में एक फुल एटम कंट्रीब्यूटेड है। फुल एटम मतलब एक बीच में पूरा पूरा, और ये जो आठ कॉर्नर्स थे उनमें वन एट्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल कितना हुआ? देखो, ये कॉर्नर वाली बात हो गई कि एट कॉर्नर से वन एट्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है, मीन्स वन एटम, और प्लस वन, प्लस वन कौन सा? एक फुल एटम इस बॉडी के सेंटर में है। तो इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन वन एट्थ वाला हो गया वन और एक फुल, मतलब टोटल टू एटम्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी पैटर्न, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे, इसका होता है सीजियम फ्लोराइड, इसके अलावा सोडियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, आयरन और क्रोमियम भी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एफसीसी। एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा देखेंगे, ये जो यूनिट सेल है इसमें ये जो कॉर्नर्स थे उनमें फिर एज इट इज़ उसके जैसा रिपीटेशन, मीन्स एट्थ कॉर्नर से और हर कॉर्नर पे वन एट्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से वन एटम तो कॉर्नर कॉर्नर के मिला के हो गए। इसके अलावा ये जो फेजेस हैं, एक यूनिट सेल में फेज कितनी होती हैं, साइड्स कितनी हैं? एक, दो, तीन, चार और एक आगे की एक पीछे की, छः कॉर्नर्स हैं, अपना छः साइड्स हैं, और छः साइड्स में जो एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है हाफ। कहाँ पर? कौन सा? ये वाला मैं बोल रही हूँ। आधा एटम जो है वो हर साइड पर प्रेजेंट है, और आधा कहाँ होगा? इसके पास जो यूनिट सेल होगी उसमें फंसा हुआ होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स टोटल यदि निकालने हो तो क्या बात होगी। तो वन एट्थ कॉर्नर्स पे, वन एट्थ इंटू एट मीन्स वन एटम हो गया कॉर्नर्स पे मिला के, और हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, और साइड्स कितनी है? सिक्स।
तो टोटल कितने हो गए, थ्री एटम्स, मतलब थ्री एटम्स इन साइड्स पर प्रेजेंट है और वन एटम इन कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह से तीन और एक चार, मतलब चार एटम FCC पैटर्न में होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, ZnS, Na2O, CaF2। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो पॉसिबल वेरिएशन हुए यूनिट सेल के, थ्री हुए। कौन सी यूनिट सेल? क्यूब शेप वाली। इसी तरीके से ये जो मैंने तुमको क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, देखेंगे ये जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स मैंने बताए थे, इसमें क्यूबिक के पॉसिबल वेरिएशंस कितने? तीन तीन। अब टेट्रागोनल के अलग होते हैं, इसके अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, इसके अलग, सभी के अलग अलग हो सकते हैं। और यदि हम इन सातों क्रिस्टल सिस्टम के सभी पॉसिबल वेरिएशंस को देखें तो वो होते हैं 14। क्लियर? अब सबके अलग अलग आपको कोर्स में है नहीं, सिर्फ किसके हैं? क्यूबिक यूनिट सेल के हैं, जिसके मैंने थ्री बता दिए। तो ये जो सभी के पॉसिबल वेरिएशंस को, यदि इन सबको हमको प्लस करना पड़े तो वो निकलते हैं 14। और उन 14 को हम टर्मिनोलॉजी वाइज बोलेंगे कि वो है ब्रेविस सिस्टम। मतलब 14 ब्रेविस सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7।